हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ट्यून टू फूड। निमोला के बारे में तो आपने सुना ही होगा, अगर नहीं तो आप किसी यूपी या बिहार के अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। यूपी और बिहार में निमोला बहुत कॉमन रेसिपी है। बेसिकली ये मटर की बनी होती है। जब सर्दियों का सीज़न आता है तो ये हर घर में एक मेन रेसिपी हो जाती है, हफ्ते में या हर 3 दिन में ज़रूर बनती है। और अभी सर्दियों का सीज़न तो नहीं है, इसलिए मटर का मिलना थोड़ा मुश्किल है। मिल तो जाते हैं, लेकिन जो बात सर्दियों के मटर में होती है वो अभी के मटर में नहीं होती है। तो हमने इसका ऑप्शन ढूंढ लिया, हम बनाएंगे चने के निमोने। निमोनों की जगह आप इसे कढ़ी भी बोल सकते हैं। ये चने के होने के बाद भी ये ग्रीन कलर की होगी और ये मटर से ज़्यादा हेल्दी भी होगी, क्योंकि चना तो सबको पता है वो हेल्दी ही होता है। तो आइए बनाते हैं चने के निमोने। काले चने के निमोने बनाने के लिए हमें सबसे पहले चनों को पानी में भिगाना पड़ेगा। हमने चनों को रात भर भिगा के रखा था, आप 4 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं। ये हमारे भीगे हुए चने हैं। अब हमें इसे ग्राइंड करना है। ग्राइंड करते टाइम इसमें कुछ नहीं डालना है। अब हमें इसका मसाला रेडी करना है। हमने धनिया की पत्ती ली है और इसमें हम डालेंगे मिर्ची। आप जितना तीखा खाते हैं आप अपने अकॉर्डिंग मिर्ची इसमें डाल सकते हैं। मैंने 4 मिर्ची ली है और 2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और 1 लहसुन लिया है। हमने ग्रीन पेस्ट रेडी कर लिया है, ये चटनी जैसा दिखता है। अब हम कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल यूपी बिहार में बहुत कॉमन है और एक मेन इंग्रेडिएंट्स माना जाता है किचन में। तो हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है और उसमें 2 पिंच हींग डाली है। अब हम इसमें चने का पेस्ट डालेंगे। इस चने के पेस्ट में हमने नमक और बाकी कोई चीज़ नहीं डाली है, ये सिर्फ चने का पेस्ट है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट तक भुनेंगे, जब तक ये गोल्डन कलर का नहीं हो जाता है और साइड साइड में ऑयल रिसने नहीं लगता है। अब हम इसमें अपना ग्रीन पेस्ट, उसमें थोड़ी सी हल्दी लेके डाल देंगे और इसे भी हम लगभग 2 मिनट तक मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें आलू डालेंगे। ये मीडियम साइज का आलू है और मैंने इसको कट कर लिया है। आलू डालने के बाद हम इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, सिर्फ इसलिए कि आलू में इनका फ्लेवर चला जाए। 2 मिनट के बाद हम चेक करेंगे आलू कुक हुए हैं कि नहीं। बेसिकली आलू कुक नहीं होते हैं, क्योंकि आलू कुक होने के लिए हमें इसमें पानी डालना पड़ता है। पानी डालने के बाद आलू अपने आप कुक हो जाते हैं। अब हमें इसमें पानी डालना है। ये 300 ml की ग्लास है, इससे मैंने 1.5 ग्लास पानी डाला है। अब हम इसे वापस ढक देंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे देखेंगे, इसमें उबाल आने लगा है। अब इसमें हम नमक और गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद हम इसे वापस से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमारी ये रेसिपी रेडी हो जाएगी और ये फाइनल रेसिपी हमारी ऐसी दिखेगी। आप इसमें बटर या घी डाल सकते हैं। मैं थोड़ा फैट अवॉइड करती हूँ, इसलिए मैंने बटर या घी नहीं डाला है। आप इसमें बटर और घी डाल सकते हैं और आप इसे रोटी, पूरी, पराठा और राइस के साथ गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। Please don't forget to like, share and subscribe and press the bell icon to never miss a video from Tune to Food. Bye-bye.